खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ है। किरण रिजिजू के मंत्रालय में बदलाव करके उन्हें भू विज्ञान मंत्री बनाया गया है। 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया। किरण रिजिजू के मंत्रालय में बदलाव किया गया। किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्री बनाया गया। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल अब मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी। किरण रिजिजू अरुणाचल के रहने वाले हैं। 2014 में बनी मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। किरण रिजिजू को बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है। किरण रिजिजू 2004 में पहली बार सांसद बने थे, लेकिन 2009 में किरण रिजिजू लोकसभा का चुनाव हार गए। 2019 में किरण रिजिजू ने एक बार फिर से जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे और पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्रालय में कानून मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। मेघवाल को संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त देश के कानून मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि वही किरण रिजिजू अब भू विज्ञान मंत्री होंगे। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा से सांसद हैं। अर्जुन राम मेघवाल 2009 में आईएएस की नौकरी छोड़ बीकानेर से चुनाव लड़े थे। मोदी कैबिनेट में लगातार कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। पूर्व में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री रह चुके हैं मेघवाल। मेघवाल का जन्म 7 दिसंबर 1954 को बीकानेर में हुआ था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1982 में आरएएस वो बने। इसके बाद आरएएस से प्रमोट होकर आईएएस बने। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वेच्छा से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। मेघवाल जी, बहुत बहुत बधाई कि आपको कानून मंत्री का पद सौंपा गया, लेकिन जब एक साल बचे हुए हैं उस समय आपको ये पद मिला, ये लग रहा है कांटो भरा ताज है। देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया। बाकी हर नया दायित्व चुनौतीपूर्ण ही होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास पे हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। सर, आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, वहाँ पर पक्ष विपक्ष के बीच में तालमेल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती थी। लग रहा है कि कानून मंत्री के तौर पर संविधान के जो सभी अंग है, खासकर जुडिशरी, उससे भी तालमेल बेहतर बनाने की एक बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आपके ऊपर है। देखिए, सबको शिक्षा संविधान ही देता है। संविधान ने अपनी सीमाएं भी तय कर रखी है, कौन क्या काम करेगा ये संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए संविधान के अनुसार ही सबको काम करना है और मुझे भी वही काम करना है संविधान के अनुसार। और आप जैसा कह रहे हैं सर कि संविधान के सभी अंगों को एक अपनी जिम्मेवारी, अधिकार और कर्तव्य का देखना चाहिए। कोई भी अपनी हदें ना पार करे, कोई लक्ष्मण रेखा ना पार, संविधान के सभी अंग। नहीं, ये वैसे लिखा हुआ भी है संविधान में, सेपरेशन ऑफ पावर लिखा हुआ है। एक आखिरी सवाल इसका, आपको लग रहा है कि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव वाले, आप वहाँ कद्दावर नेता हैं, इतना बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इसका असर भी पड़ेगा? चुनाव से इसका कोई संबंध का विषय नहीं है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा है, उससे जनता में असंतोष बहुत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे चुनाव लड़ती है, उसके आधार पर हम वहाँ राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इधर अर्जुन राम मेघवाल के कानून मंत्री बनने के बाद बीकानेर बीजेपी सहित परिवार में खुशी की लहर है। जो निवास स्थान है अर्जुन राम मेघवाल का, वहां पर हम लोग मौजूद हैं। सांसद सेवा केंद्र की ये तस्वीरें हैं। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, उनके परिवार के लोगों का जमावड़ा, तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और निश्चित तौर पर उनके कार्यालय में खुशियां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, अब कानून मंत्रालय भी संभालने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, बीकानेर के उनके निवास स्थान पर हम लोग मौजूद हैं। सांसद सेवा केंद्र में आप देख सकते हैं किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई यहां पर खिलाई जा रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, बीकानेर के लोगों में भी खुशी है, बीजेपी में भी खुशी है, और अर्जुन राम मेघवाल के निवास और सांसद सेवा केंद्र है वहां पर भी खुशियों की लहर दिखाई दे रही है। बीकानेर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी की जो
सादगी है और जो उनके कार्य करने की शैली है, आप तमाम जो सांसद सेवा केंद्र में उनके कार्य करने की शैली देखते हैं और जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, आज निश्चित तौर से बीकानेर की जनता को मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हम मोदी जी का और तमाम पार्टी का बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। धूमधाम से तैयारी करेंगे और फुल पटाखों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, क्या कहेंगे? देखिए मिठाइयां आप लोग बांट रहे हो, स्वागत की क्या तैयारियां हैं? बहुत जबरदस्त स्वागत करेंगे हम ढोल नगाड़ा से। जब भी बीकानेर साहब पधारेंगे, बड़ा उत्साह है, हम जोश है कि वो जल्दी आए और हम उनका स्वागत करें। और उनको सबको धन्यवाद, मोदी जी को, पूरे भाजपा परिवार को, बीकानेरी जनता का प्यार है, उन्होंने बहुत बड़े सम्मान दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए मिठाइयाँ का दौर जो है लगातार जारी है। बीकानेर के जो निवास स्थान है अर्जुना मेघवाल का, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। सांसद सेवा केंद्र की ये तस्वीरें हैं। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, उनके परिवार के लोगों का जमावड़ा, तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और निश्चित तौर पर उनके कार्यालय में खुशियाँ जो है वो देखने को मिल रही है और इंतजार है अर्जुना मेघवाल का। तमाम परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से जब मंत्री आएंगे तो भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा सर के अजीम के साथ रौनक व्यासी, मीडिया बीकानेर। तो अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाए जाने के बाद उनके परिवार के साथ ही बीकानेर शहर में भी जश्न देखने को मिला। बीकानेर मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित के निवास पर मिठाई बांटी गई। सुशीला कंवर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का अर्जुन जी पर विश्वास जता रहा है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। की लहर कही जा सकती है बीकानेर बीजेपी के साथ साथ आम लोगों में। मेयर सुशीला कंवर के निवास पर हम लोग मौजूद हैं, मिठाई यहां पर खिलाई जा रही है, खुशियां जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। बातचीत करता हूं, पहली प्रतिक्रिया मैडम क्या कहेंगे इस खबर के बाद? देखिए बिल्कुल, माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को इतना बड़ा दायित्व मिला है तो बीकानेर के लिए और हम सब भाजपा परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब कानून मंत्रालय की बात आती है, विधि मंत्रालय की, तो हम देखते हैं कि अभी तक 3 दलित नेता जो है वो कानून मंत्री बने हैं। जैसे आप पीछे देख ही रहे हैं, बाबा साहब है, उसके बाद रामविलास पासवान जी थे और अब हमारे अर्जुन राम जी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जो धरातल पे जो समस्या है, जिन मुद्दों पे हमें बात करनी है, जिन पे हमें कानून लाने हैं, उन पे मंत्री जी बहुत अच्छे से उस चीज को समझेंगे और न सिर्फ राजस्थान, मैं कहती हूँ पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा। स्वागत की क्या तैयारियां? बिल्कुल, बहुत सुबह सबसे पहले ही फोन करके बधाई भी दी उनको, हमेशा कहा कि माँ करनी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आप स्वस्थ रहे और इसी तरह से देश की सेवा करते रहे। और हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का उन पे विश्वास है ना, उस पे हम सबको बहुत ही प्राउड फील होता है कि ये विश्वास हमेशा बना रहे, अटूट रहे। और उनके कहते हैं ना, दाहिना हाथ कहा जाता है मंत्री जी को। तो कुल मिला के यही कहूंगी कि पूरे भाजपा परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम जब मंत्री जी बीकानेर आएंगे तो बहुत भव्य उनका स्वागत किया जाएगा और पूरे बीकानेर में इस खुशी की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बीकानेर की मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित, साफ तौर पर कह रही है कि देखिए खुशी का दिन है, ना केवल भाजपा परिवार के लिए बल्कि पूरे बीकानेर के लिए। कैमरा सहयोगी अजीम के साथ रौनक व्यास जी, मीडिया बीकानेर।